वहीं सल्ट विधानसभा सीट को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही हैं और चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया है, तमाम तैयारियां कर रही हैं अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर जहां नामांकन भी दाखिल किया गया, तो वहीं बात करें निर्वाचन आयोग की तो चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है जिससे चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत सामने ना आए और पूरी पारदर्शिता बनी रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की देहरादून संवाददाता नितिन सिंह ने, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। सल चुनाव अब होने को है, 17 तारीख को सल चुनाव होंगे और सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी चुन लिया जाना और आज नामांकन हो जाएंगे। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य जो हमारे साथ मौजूद है इस समय, इनसे हम जानेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी सल चुनाव होने को है, ऐसे में किस तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी, किस तरह से चुनावों को देखा जा रहा है? जो सेल्ट चुनाव के लिए हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हमारा पूरा जो ट्रेनिंग है वो जो पोलिंग पार्टीज का प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस 3 उनका 3 स्टेजेस में अभी ट्रेनिंग्स होंगे। उसके बाद जो हमारा आरओ का पूरा ट्रेनिंग्स हो चुके हैं, उसके बाद जो हमारा कैंडिडेट सेटिंग जो हमारा ईवीएम है वो नया ईवीएम हमें आ चुके थे जिसका एफएलसी भी हो चुका है और कैंडिडेट सेटिंग के लिए उसका तैयारी भी है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम सभी पार्टीज को और कैंडिडेट्स को दे देंगे। उसके बाद जिल द्वारा पूरा कहीं पे भी कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन या कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली उसके लिए नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, उनको वो इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है और इमीडिएटली वो वहां पे डिस्पैच होके उसका जो भी कार्यवाही करनी है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ऑलरेडी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वर भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं तो उनका निगरानी में हो रहा है। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और उसके पूरा जो टीम्स होते हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स, वीडियो ग्राफी टीम्स, अकाउंटिंग टीम, ये सब बन रहे हैं और उसका जो शैडो ऑब्जर्वर रजिस्टर बोलते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर का जो हिसाब कैंडिडेट रखते हैं उसी को एक काउंटर बुक शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के द्वारा तरफ से बनती है तो वो भी उसका भी पूरा तैयारी है। और हमारा जो कोविड को देखते हुए हमारा पूरा उस पर 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्यू लगाने के लिए और 1000 से कम एक बूथ में रहने के लिए, जो जहां पे भी 1000 से ज्यादा है वहां पे हमने ऑक्सिलरी बूथ्स बनाए हैं और मास्क सभी के लिए कंपलसरी कर दिए हैं। और उसके बाद आपका जो सैनिटाइजर्स है वो हर बूथ में रखवाए जा रहे हैं और थर्मल स्कैनर्स का भी यूज किया जा रहा है। और उसके बाद जो कोविड पॉजिटिव या 80+ का जो हमारे वोटर्स है उनके लिए पोस्टल बैलेट का भी व्यवस्था की गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काफी इम्पोर्टेंट चुनाव है ये भी, 2022 के चुनाव से पहले देखा जाए तो काफी सारी पार्टीज इसमें लगातार अपना पूरा दमखम चलाएगी, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को लेकर कि जैसे कोविड भी चल रहा है और जिस तरह से सभी पार्टियां इसमें पारदर्शिता की उम्मीद रखती है कि किसी तरह की कोई गलत चीजें ना हो पाए, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण आपकी तरफ से क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो पाए? वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो अनुपालन करने के लिए हमारा एमसीसी का और जो भी हमारा न्यूज़पेपर कटिंग है और बाकी जो प्रिंट मीडिया है उसको कंटिन्यूअसली स्कैन करने के लिए एमसीएमसी का जो गठन है उसको भी किया जा गया है और कंटिन्यूअसली जो भी न्यूज़पेपर कटिंग उसको सब पढ़ाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी इन्फ्लुएंस्ड कोई राइटिंग्स है तो वो हमारे नज़र में आ जाए। उसके बाद जो हमारा कोविड के लिए जैसे मैंने कहा क्यूइंग और उसके बाद कैंपेनिंग और उसके बाद जो सैनिटाइजर और ग्लव्स भी हम दे रहे हैं, जो हर वोटर है उनके लिए ग्लव्स भी दे रहे हैं ताकि वो अंदर जाने के बाद उसको और उसके बाद पानी और वाटर और सोप भी जो हाथ धोने के लिए रखना है उसको भी रखवाया जा रहा है तो हमारा पूरा तैयारी उसके लिए कोविड को देखते भी है। तो ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य, जिसे हमने जाना कि सल चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है। तो बिल्कुल पारदर्शिता को लेकर जहां तक बात की जाए तो पूरी तरीके से अधिकारी वहां की ड्यूटी लगा दी गई है। कोविड की बात करें तो कोविड को लेकर सैनिटाइजर, मास्क और जितनी भी महत्वपूर्ण वहां पे चीजें की जा सकती है वो सारी की जा रही है ताकि कोविड से किसी भी तरह की वहां पे कोई ऐसी हादसा ना हो, ऐसा कुछ परेशानी ना हो जिससे वहां पे चुनाव में कोई दिक्कत आ सके। तो कैमरामैन सबाज के साथ मैं नितिन सिंह, TV100 देहरादून के लिए।